नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मेघा। इस खास पेशकश में बात होगी आपसे नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में। नवजोत सिंह सिद्धू, जिनकी अहमियत का अंदाजा अब शायद कांग्रेस पार्टी को होने लगा है। नवजोत सिंह सिद्धू जिनके होने का क्या मतलब है? अगर सिद्धू जैसा नेता आपके साथ खड़ा है तो विपक्ष आप पर कभी हावी नहीं होगा। अब ये बात कांग्रेस पार्टी को समझ आने लगी है। जैसा कि आप सब जानते हैं, 2 अगस्त से पंजाब में विधानसभा का सत्र शुरू होना है, जहां विपक्षी दल पूरी तरह से तैयार हैं कांग्रेस पार्टी पर प्रहार करने के लिए। विपक्ष ने सवालों की पेटी बांध ली है, विपक्ष ने सवालों की एक फाइल तैयार कर ली है। इस सवालों में कांग्रेस पार्टी को घेरने की तैयारी आम आदमी पार्टी ने भी की है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी। ऐसे में विपक्ष के प्रहार पर अगर कोई पलटवार कर सकता है तो वो है नवजोत सिंह सिद्धू। इस बात का एहसास अब पार्टी के नेताओं को हो चुका है और शायद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी। इसीलिए एक नेता गए नवजोत सिंह सिद्धू के पास उन्हें कहने के लिए कि विधानसभा सत्र में जरूर हिस्सा लें। नवजोत सिंह सिद्धू के पास अब आखिरकार पार्टी की ओर से ये पैगाम जाने लगा है कि 2 अगस्त से जो विधानसभा का सत्र शुरू है उसमें ज़रूर अपनी मौजूदगी को दर्ज कराएं। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू इतनी आसानी से मानने वाले भला कहाँ हैं। नवजोत सिंह सिद्धू भी बदला लेने में किसी से कम नहीं है। तो सिद्धू ने आखिरकार पार्टी को दे दिया है मुंह तोड़ जवाब। नवजोत सिंह सिद्धू ने उन तमाम नेताओं को जवाब दे दिया है जिन्हें सिद्धू की काबिलियत पर शक था। वो तमाम नेता जो ये सोचते थे कि सिद्धू अगर पार्टी में नहीं भी होंगे तो पार्टी का कुछ नुकसान नहीं होगा, अब नवजोत सिंह सिद्धू ने उन नेताओं को ये बताने की ठान ली है कि उनके पार्टी में ना होने पर आखिर नुकसान क्या है। सिद्धू जिन्हें यहाँ पंजाब कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाया जा चुका है, हालांकि सिद्धू ने इस्तीफा खुद ही दिया, अब खुद दिया या हार कर खुद दिया ये तो सिद्धू बेहतर जानते होंगे, ये तो पार्टी के अंदरूनी खेमे की बात है। लेकिन फिलहाल नवजोत सिंह सिद्धू के साथ बीते दिनों जो कुछ भी हुआ है, जिस भी तरह से उनके सितारे गर्दिश में रहे हैं, अब सिद्धू ने इन सबका तोड़ निकालते हुए पार्टी पर कर दिया है वार। क्या कुछ सिद्धू ने किया? जब उनसे विधानसभा सत्र में शामिल होने को लेकर बातें कही गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए जरा। नवजोत सिंह सिद्धू अब आगे क्या करेंगे? जब अपने पत्ते खोलेंगे तो अपनी सियासत का कौन सा रंग दिखाएंगे? ये सवाल बीते काफी वक्त से सवाल ही बना हुआ है और इसका जवाब जनता भी जानना चाहती है, साथ ही कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता भी। जैसा कि आप सब जानते हैं, सिद्धू की काबिलियत पर उन्हीं की पार्टी के नेताओं ने सवाल उठाया। कैप्टन अमरिंदर सिंह की बातों में ताल के साथ ताल मिलाते हुए यहां कई और नेताओं ने भी सिद्धू पर सवाल उठाए। कई और नेताओं ने भी कहा कि सिद्धू को जिद छोड़ देनी चाहिए, सिद्धू को अपने अहम से बाहर आकर पार्टी के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन अब ऐसी तमाम खबरों के बीच में, सिद्धू को लेकर उठ रहे ऐसे तमाम सवालों के बीच में, अब आखिरकार पार्टी को सिद्धू की कमी महसूस हुई। जैसा कि आप सब जानते हैं, 2 अगस्त से पंजाब में विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है। नवजोत सिंह सिद्धू विपक्ष के सवालों का जवाब दे सकते हैं। सिर्फ नवजोत सिंह सिद्धू ही हैं जो अपनी बातों के जाल में विपक्ष को हरा सकते हैं। तो ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू को विधानसभा सत्र में शामिल करने के लिए मनाने पहुंचे यहां पर पूर्व हॉकी खिलाड़ी व जालंधर से विधायक प्रगट सिंह। प्रगट सिंह पहुंचते हैं, नवजोत सिंह सिद्धू को मनाने की कोशिश करते हैं। वो सिद्धू से कहते हैं कि 2 अगस्त से मानसून का जो सत्र शुरू होने वाला है उसमें अपनी मौजूदगी को दर्ज कराएं। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, नवजोत सिंह सिद्धू ने मानसून सत्र में शामिल होने से साफ तौर पर मना कर दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू मानसून सत्र में शामिल नहीं होंगे। जी हाँ, मिली जानकारी की माने तो इसे लेकर सिद्धू ने सत्र में शामिल न होने की बात साफ तौर पर कह दी है। हालांकि संपर्क करने पर प्रगट सिंह ने ऐसी किसी भी बात से इनकार किया। उन्होंने कहा कि वो अपने निजी दौरे पर अमृतसर आए थे, लेकिन इन सब के बीच में कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों से मिली जानकारी की माने तो नवजोत सिंह सिद्धू से प्रगट सिंह ने साफ तौर पर कहा 2 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में अपनी मौजूदगी शुरू करवाने के लिए, लेकिन सिद्धू ने साफ तौर पर मना कर दिया है। सिद्धू ने यह भी कहा है कि अब उनकी राजनीति सिर्फ और सिर्फ जनता के बीच होगी,
अब उनकी राजनीति सिर्फ और सिर्फ जनता की भलाई के लिए होगी। जनता को यहाँ पर किस तरह से परेशानियों से ऊपर लेकर जाना है, सिद्धू अब सिर्फ और सिर्फ ऐसी ही राजनीति करने के मिजाज में नजर आ रहे हैं। देखना होगा आगे आने वाले वक्त में सिद्धू का पार्टी को ये जवाब क्या उनके लिए फायदेमंद साबित होता है या पार्टी और भी ज्यादा सिद्धू के खिलाफ हो जाती है। हालांकि अभी के लिए आपको बता दें, सिद्धू के सितारे काफी ज्यादा गर्दिश में इसलिए दिखाई पड़े क्योंकि एक के बाद एक लगातार उनके खिलाफ कैप्टन अमरिंदर सिंह सख्त रवैया अपनाते रहे। कैप्टन अमरिंदर सिंह एक के बाद एक नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ फैसले सुनाते रहे, लेकिन कैप्टन को रोकने के बजाय कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कैप्टन को कह दिया कि जो मर्जी वो करो, अपने हिसाब से इस पूरे विवाद को सुलझाओ। और अब जब कैप्टन ने अपने हिसाब से विवाद को सुलझाया तो नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी से खफा हो गए। इतने ज्यादा खफा कि विधानसभा के मानसून सत्र में भी अपनी मौजूदगी को दर्ज कराने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू तैयार नहीं है। सिद्धू के इस फैसले के बाद पार्टी हाईकमान क्या कदम उठाता है आगे आने वाले वक्त में पता चलेगा।